जनाब महमूद खान साहब सीएम के पीके अपने मुहतरम दोस्त जनाब मिनिस्टर साहब यूसुफजई साहब शौकत यूसुफजई डिप्टी कमिश्नर चित्रान एक मिनट साहब सिर्फ एक मिनट एक ही बात करता हूँ एक मिनट साहब सिर्फ एक मिनट लूंगा मुझे वक्त की नजाकत का बखूबी अंदाजा है पार्टी के लिए तरफ से भी कोई बात करना चाहिए साहब मैं अहलियान शिशुपुर की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मुश्किल की इस घड़ी में आप बनफ्स नफीस यहाँ तशरीफ लाए लोगों की दिलजोई की लोगों के हौसले आपको देखकर बुलंद हुए और आपकी आमद हमारे लिए किसी रहमत से काम नहीं मैं सिर्फ एक बात करूँगा सर चतराल जैसा कि आप सबको मालूम है कि चतराल एक पसमानदा और पहाड़ी इलाका है यहाँ जरी जमीनात जो हैं वो न होने के बराबर हैं चतराल के लोग जो हैं सर खेती बाड़ी के हवाले से मैं सिर्फ जारी कर्ज जो हैं कारोबार कर्ज नहीं ये इंडस्ट्री के लिए लेने वाले कर्ज नहीं सिर्फ उन कर्जों के बारे में बात कर रहा हूँ जो 25,000 किसी ज़मींदार लाख दो लाख इससे ज़्यादा नहीं है सर ये सारे मलकदश के लोग शिशुपुर के लोग करंतू के लोग तहसील मतलब पूरे चतराल के लोग जो हैं सर वो इस मुश्किल में उनके तैयार फसलें तबाह हुए हैं उनके बागात तबाह हुए हैं उनके घर बार तबाह हुए हैं यहाँ अमवात हुए हैं मैं सिर्फ इतना गुजारिश करूँगा सर ये कारोबारी लोन नहीं ये सारे लोग जो है जो लोगों के मुंह पे लुकमा जो है उसने सुलापुर हुआ है उसकी मतलब अजाला के लिए आपसे गुजारिश है कि आप सिर्फ जरी तरक्याती बैंक या दूसरे जो बैंक हैं शुक्रिया जी शुक्रिया आराम करो एक मिनट मैं सदर हूँ मैं बात करूँगा ये मेरा अपना चीफ मिनिस्टर है कोई इंडिया का वजीर आजम नहीं है भाई आराम करो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप जरी कर्जात जो हैं सर उसके फवायद सबको मिलेंगे यहाँ 70% 80% जो लोग वो हैं वो जरी मकरूज हैं इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जरी कर्जात जो हैं उनको माफ किया जबरदस्त मुताबिला जबरदस्त एक मिनट ये भी हमारा ग्रेट स्टेशन जो है सर वो जुटी लश ब्रोस में है सर 40 एकड़ एरिया पर मुहित है डिप्टी कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं उनको पता है उनका आधा हिस्सा सिलापुर हो चुका है अगर बर्बाद कार्रवाई न की गई तो सारा चतराल का ग्रेट स्टेशन जो है